जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने नए वीडियो में। देखिए, सभी लोग पूछ रहे थे कि यूपी पुलिस का कट ऑफ क्यों कम जाएगा, और पूरा एक एक डाटा के साथ मैं आपको लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें आप लोग खुद समझेंगे कि हाँ वास्तव में यही रियलिटी है कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 49,568 जो पिछली वैकेंसी थी हमारी, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि सिविल की जो पोस्ट थी वो 31,360 थी, पीएससी की जो थी 18,208 पोस्ट थी, टोटल मिलाकर हमारी बनती है 49,568, ये हमारी वैकेंसी आई थी। इसके लिए जो कट ऑफ लगी थी, कट ऑफ कितनी थी, जनरल की 185, ओबीसी की 172, एससी की 145, एसटी की 114। आप लोग खुद देख सकते हैं लगभग 92-93 के आसपास जनरल की कट ऑफ लगी थी। आप लोग समझें, ये भी ऐसा किसी ने भी नहीं बताया होगा, ऐसा डाटा किसी ने नहीं बताया होगा, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब आप देखिए, यहीं पर जो सिविल की पोस्ट थी वो कितनी थी, 31,360, और अब हमारी पोस्ट कितनी है, दुगना के लगभग है, कितनी है, 60,244। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सिविल की पोस्ट कितनी हो गई, जस्ट दुगना हो गई, जस्ट दुगना, तो कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाएगी, कैसे जा सकती है, आप खुद सोचिए। लोग पिछली कट ऑफ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पिछली बार 185 गई थी, कम वैकेंसी थी, इस बार 200 जाएगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ा है। लेकिन अगर इस बार कंपटीशन बढ़ा है तो आप ये भी तो देखिए, पोस्ट सीधा से सीधा दुगना हो रहा है, और सारे बच्चे टॉपर नहीं होते हैं, मुश्किल से 1,000-2,000 ही बच्चे टॉपर होते हैं, बाकी के तो सब लो ही होते हैं। अब अगर इसमें से लगभग आप लोग देखिए 30,000 पोस्ट बढ़ गई, तो अगर 5,000 बच्चे भी हमने टॉपर के अलग कर दिए तो भी 25,000 तो नीचे वाले ही होंगे, तो कट ऑफ हाई कैसे जाएगी। आप ये कहिए लगभग इसी के आसपास रहेगी, मैं मान लूंगा कि हाँ इसके आसपास रहेगी, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। और एक चीज़, इस बार फीमेल के लिए जो सबसे स्पेशल है कि पिछली बार फीमेल की कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, इसी में से ही उनको क्वालिफाई किया गया था, मतलब एक ही कट ऑफ लगी थी, तो पिछली बार फीमेल को नुकसान भी हुआ था, बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार फीमेल की अलग से कट ऑफ लगेगी, तो फीमेल के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका, तो आप लोग तैयारी करते रहें, आप लोग अपनी तैयारी में कोई भी ढिलाई ना करें, रेस लगाते रहें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहला क्या है, पोस्ट ज़्यादा, पोस्ट मैंने आपको बता दिया कि सीधा दुगना है। आप ये 49,000 मत देखिए, क्योंकि इसमें से 18,000 तो पीएससी की थी, आप ये क्यों देख रहे हैं, आप सिविल की पोस्ट देखिए केवल, और अब सिविल की ही कट ऑफ बनेगी, और ये सिविल की ही कट ऑफ है 185। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि जब पोस्ट दुगना हो गई, कंपटीशन दुगना नहीं हुआ है, तब ये नहीं कि सारे बच्चों ने पूरी तैयारी के साथ पेपर दिया है, तो आप लोग इस चीज़ में घबराएं नहीं। उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, पेपर कठिन अनएक्सपेक्टेड, पेपर अनएक्सपेक्टेड इसलिए था कि आपको भी पता है कि इसमें जीके भी थोड़ा सा कठिन पूछा गया था, आप लोग भी जानते हैं हिंदी के भी डाउट के वाले प्रश्न थे, इसीलिए किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये पेपर ऐसा आएगा, और जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पेपर आया ही नहीं, इसलिए अनएक्सपेक्टेड था। जिसने भी पेपर देखा वो यही सोच रहा है कि मानसिक अभिरुचि तो बिल्कुल से ही गायब हो गई, यूपी जीके है ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी तैयारी करके गए थे, क्योंकि यूपी जीके तो अगर यूपी के एग्जाम में ना आए तो बेकार है, और मानसिक अभिरुचि पूछी ही जाती थी, बहुत सारे बच्चे पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे, तो ये अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, और इसका भी फर्क पड़ा है एग्जाम में। उसके बाद गलत प्रश्न, इस बार गलत प्रश्न पिछले बार के एग्जाम की अपेक्षा ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं 30 और 31 का एग्जाम्पल है, 23 की शिफ्ट भी हार्ड है, आप लोग देख सकते हैं, खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ वास्तव में गलत प्रश्न ज़्यादा थे पिछले बार की अपेक्षा। उसके बाद समय कम मिला, देखिए पेपर में आपको समय कितना मिला है, एक मंथ के आसपास मिला है, एक डेढ़ मंथ के आसपास मिला है, तो इस इतने दिन में तैयारी कर पाना मुश्किल है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो डेट के पहले ही तैयारी करने लगे, और उसीलिए मैंने जो डेट के पहले तैयारी कर रहे थे लगभग 5,000 टॉपर्स को पहले ही अलग कर दिया है, तो डेट के पहले कोई तैयारी नहीं करता, जब डेट आ जाती तब से तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं ये इसके रीजन थे कट ऑफ कम जाने के। और आपको मैंने बता दिया है कि जो लोग कंपेयर करा रहे हैं, चाहे 41,520 से कंपेयर कराएं, चाहे 49,568 से कंपेयर कराएं, उनसे ये कहें कि सिविल की पोस्ट कितनी थी आप ये देख लीजिए, पीएससी को हटा दीजिए, और इस बार आप भी देख रहे हैं कि टोटल की टोटल पोस्ट सिविल की है और कितने गुना है, और ये जो कट ऑफ लगी थी सिविल की ही लगी थी, मेंस की जो कट ऑफ फाइनल लगी थी वो 8 से 10 नंबर बढ़ी थी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई थी, कितना एससी और एसटी में काफ़ी अंतर है, आप लोग देखिए जनरल और एसटी में कितना ज़्यादा अंतर आया है, तो आप लोग खुद समझिए इस चीज़ को कि इस बार सिलेक्शन कितने में होगा। आपने रेलवे ग्रुप डी में देखा होगा 1,00,000 पद हैं, ग्रुप डी में 1,00,000 थे, कट ऑफ 50 के आसपास लगी थी, क्यों लगी थी, क्योंकि पद ज़्यादा थे, अगर यही पद आपके 50,000 होते तो ये कट ऑफ बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और काफ़ी अंतर पड़ जाता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी जो कट ऑफ है वो लो ही रहेगी, वो ज़्यादा नहीं जाएगी, तो आप लोग अपनी रेस की तैयारी करते रहें, रेस में कोई भी लापरवाही ना बरतें, रेस लगाते रहें।
और फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है इस बार, क्योंकि फीमेल की अलग कट ऑफ लगेगी तो फीमेल की कट ऑफ और लो रहने वाली है। पिछली बार जो फीमेल ने क्लियर किया था वो इन बच्चों के साथ क्लियर किया था मेल के साथ, लेकिन इस बार फीमेल की अलग लगी। तो आप लोग कुछ सोचिए, फीमेल सबका जो तैयारी है वो लगभग एक जैसी ही थी, किसी के अच्छे स्कोर नहीं। जो एसएससी वाले थोड़ी बच्चियाँ हैं उनका स्कोर अच्छा है, पर इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो जॉब करेंगे ही करेंगे। वो सीजीएल वाले हैं, उन्होंने सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही फॉर्म डाल दिया बस। वो लोग रेस ही नहीं तैयार करेंगे ना रेस लगाएंगे, वो अपना सीजीएल और यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। तो आप लोग चिंता न करें, हाई कट ऑफ के चक्कर में न पड़े, आपका अच्छे से आराम से हो जाएगा। आप रेस लगाते रहे, आपका जो भी स्कोर बना है बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने, बस रेस में लापरवाही न बरतें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।